सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपने Redmi Note 9 Pro में Android 12 Beta 2 को इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पर ये रोम काफी अच्छा है, इसमें जो एनिमेशन है वो काफी अच्छे से जो है अलग तरीके से इसमें दी गई हैं। एंड काफी अच्छे अच्छे नए फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो Antutu बेंचमार्क भी दिखाऊंगा इसमें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो रोम है ये मी एटोल के लिए, तो आप Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro इन चारों डिवाइसों में आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अभी आप देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे एस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी पैच देख सकते हो 5 जून का देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है कर्नल आपको जो है डिफॉल्ट वाला ही देखने को मिलता है, कोई कस्टम कर्नल इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके गाइज, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एनिमेशन है इसमें थोड़ा सा वो एकदम अलग तरीके का, जैसे मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ तो अभी देख सकते हो बिल्कुल अलग तरीके से एनिमेशन यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है यहाँ पर। एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ इसमें वोल्टी कॉल की, सो वो करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो 198 है एंड यहाँ पे जियो का सिम है, इसको मैं कॉल लगाता हूँ एंड यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉल कनेक्ट हो चुकी है, वेलकम, एंड आप यहाँ पे सुन सकते हो गाइज। एंड यहाँ पे छोटा सा जो ग्रीन कलर का पॉपअप आता है वो काफी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे कॉल UI भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुई है। एंड देख सकते हो आपको इसमें इनबिल्ट जी एप्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी गाइज। एंड कैमरे की अगर बात करूँ तो देख सकते हो कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये क्रैश हो जा रहा है। तो आप इसके यहाँ पे कोई कस्टम कैमरा यूज कर सकते हो मैन्युअली इंस्टॉल करके, इसमें जो इंस्टॉल्ड है प्री इंस्टॉल्ड वो काम नहीं कर रहा इस टाइम पे गाइज। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो इसका स्टेटस बार बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। देख सकते हो यहाँ पे कलर वलर थोड़ा चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो वाईफाई का ऑप्शन हटा के यहाँ पे आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो इंटरनेट है, जो मोबाइल का डेटा है, जो वाईफाई है, दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया इसने। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिम का आपके। एंड यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई एंड ये जो आपका मोबाइल का जो डेटा है वो दोनों यहाँ पे मर्ज कर दिया गया एक ही में, इसको नाम दे दिया गया इंटरनेट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से आप जो इसको पावर ऑफ कर सकते हो अपने मोबाइल डेटा को, यहाँ से ये ऑफ होगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली नहीं होता है। एंड यहाँ पर जो है वाईफाई भी वहीं से ऑन होता है, तो वाईफाई यहाँ पे देख सकते हो कि इनेबल है। सेटिंग में अगर जाएंगे हम तो देख सकते हो वाईफाई यहाँ पे इनेबल है, अच्छे तरीके से यहाँ पे ये काम भी करता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस। एंड यहाँ पे ब्लूटूथ देख सकते हो परफेक्टली काम कर रहा है। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको एनिमेशन प्रीवियस वीडियो में दिखाया था वो एनिमेशन इसमें भी देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है गाइस, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो जब मैं इसको बंद करता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, जब भी आप इसको ओपन करोगे क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन सारी चीजें हैं। यहाँ पे हॉटस्पॉट भी परफेक्टली काम करता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप डार्क मोड को इनेबल करते हो तो देख सकते हो इसी तरीके से डार्क मोड आपको देखने को मिलता है। लाइट मोड भी आप यहाँ पे जो है लगा सकते हो, तो अभी देख सकते हो डार्क मोड यहाँ पे मैं सेटिंग में अगर जाता हूँ तो देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे डार्क हो चुका है, इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है गाइज। ओके, एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से डार्क हो जाता है। एंड यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से आप उसके साथ मतलब यहाँ पे टाइल बन के आ जाता है नोटिफिकेशन का, वो काफी अच्छा यहाँ पर देखने में लगता है। एंड यहाँ पर एक चीज नई ऐड की गई है, अभी देख सकते हो यहाँ पे जो पावर मेन्यू का ऑप्शन कुछ देखने को मिल रहा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हो पावर ऑफ रीस्टार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये चीज काफी अच्छी यहाँ पे ऐड की गई है। एंड यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे अगर आप क्लिक कर दो तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कोई भी चीज आपको यहाँ पे चाहिए इसको आप होल्ड करो एंड इस तरीके से लाके यहाँ पर रख दो तो यहाँ पे ये चीज सेट हो जाती है गाइस, देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से। नाइट लाइट की बात करूं तो देख सकते हो नाइट लाइट परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारा क्रेडिट जो है इनके डेवलपर को जाता है, जिन्होंने ये रोम बनाया है उनका नाम हैनलोबोई है एंड काफी ज्यादा वो जो यहाँ पे टैलेंटेड है वो काफी अच्छे अच्छे रोम बना चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा डीम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप इनेबल करोगे सो यहाँ से देख सकते हो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलती है। डीसी डीमिंग का सपोर्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सेटिंग में अगर हम जाते हैं
सो यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाओगे तो देखते हो वही सारे ऑप्शन है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है इनहेंस नोटिफिकेशन सारे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि परफेक्टली यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे बैटरी की अगर बात करूं तो बैटरी बैकअप यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन हाँ आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मली यूज करते हो सो एक से डेढ़ दिन का बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप गेमिंग करते हो सो आपको जो है एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। ओके सो ये चीज है। एंड यहाँ पे अगर डिस्प्ले में जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। डार्क मोड मैंने आपको दिखा दिया, परफेक्टली काम कर रहा है। फॉन्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले साइज का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, कलर्स का ऑप्शन है। सो यहाँ से आप जो है इसको यूज कर सकते हो, ये वर्क भी कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जब मैं बूस्टेड पे कर रहा हूँ सो यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, इस तरीके से ये काम करता है। इंक्रीज टच सेंसिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, इससे जो है टच का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर में अगर आप जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टाइल में कोई भी स्टाइल आप यहाँ पर लगा सकते हो। एंड यहाँ पे वॉलपेपर में जाओगे सो ऑनलाइन यहाँ पे आपको कई सारे वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, जैसे देख सकते हो अभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सारे देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे काफी बेहतरीन है, सो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसमें फिंगरप्रिंट आपका अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिंगरप्रिंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, परफेक्टली जो है वो काम करता है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस में जाओगे तो और भी सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो है जब आप इसको इंस्टॉल करोगे पहली बार तो एनिमेशन काफी अच्छे इसके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है यूज कर सकते हो आप इसको, एज अ डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइज लॉक स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो आपको यहाँ पे ये वाला क्लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है काफी ज्यादा यहाँ पे कूल लगता है देखने में। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम में जाओगे तो देख सकते हो जेस्चर का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन में जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे दो ही चीज देखने को मिलेंगे, एक बटन वाला है एंड एक फुल स्क्रीन जेस्चर वाला है, तो ये सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड और भी सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, गाइस परफेक्टली जो है काम करता है। ओके तो सारी चीजें अच्छे से इसमें काम कर रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसमें जो है डीआरएम इन्फो की बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे वाइड वाइन L1 यहाँ पे सपोर्ट है, सिक्योरिटी लेवल L1 दिखा रहा है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर मैं बात करूं एंटूटू बेंचमार्क की तो मैंने इसमें चेक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एंड गेमिंग आप कर सकते हो, लेकिन गाइज इसमें जो है थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा जब कोई चीज आप खोलोगे, मुझे उतना ज्यादा स्मूथ ये रोम नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा इसमें लैग आपको देखने को मिलेगा कभी कभी, वैसे कोई बेकार रोम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो एज अ डेली ड्राइवर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली जो है काम करेगा। ओके सो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो उसके लिए आप देख सकते हो पावर मेन्यू कितना बेहतरीन लग रहा है यहां पर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फोन को ऑफ करना है एंड यहां पर जो है पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। सो इसको मैं प्रेस कर लेता हूं गाइस, एंड इसके बाद हम बूट हो जाएंगे TWRP रिकवरी में या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। ओके तो यहां पे मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूं, जब हम बूट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा। ओके तो देख सकते हो हम बूट हो चुके हैं यहां पर, एंड यहां पर हम बताते हैं आपको कैसे होगा यहां पर। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपना रोम को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये वाला, एंड यहाँ पर इसको स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना। जब ये कम्प्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आना है फॉर्मेट डेटा, यहाँ पे आपको यस लिख के ओके कर देना है, देन आपको फोन को जो है सिस्टम में रिबूट कर देना है बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका रोम जो है बूट हो जाएगा एंड यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मी एटोल लुक के लिए है, तो सारे जो डिवाइस वाले हैं चारों डिवाइस वाले यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय गाइज।